हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की बेहतरीन तरीके से तैयारी। मेरे साथियों, आज का सेशन जैसे आप लोगों को पता है इडियम्स का डे टू है। आज हम लोग फिर से करेंगे 20 क्वेश्चन इडियम्स के, और जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए फटाफट से, ताकि और भी हमारे साथी जो है जुड़ सकें सेशन के साथ। और फिर हम लोग करते हैं सेशन की शुरुआत, आगे चलेंगे क्वेश्चन को करने। 20 क्वेश्चन है हमारे पास आज, 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे आज सेशन की समाप्ति। चलो, तो पहले तो शुरुआत हुआ नहीं और समाप्ति की बात हो रही है, फटाफट से आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है? जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें, जितने भी भाई दोस्त बंधु मित्र सखा जो भी लोग हैं सब कुछ जुड़ जाएँ, ठीक है? चलो आ जाओ, तो हम लोग करते हैं आज के क्वेश्चन को डिस्कस। आइए, पहला क्वेश्चन कहाँ है हम लोगों सामने, ये रहा हम लोगों सामने पहला क्वेश्चन। गुड इवनिंग निखिल भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। टू मीट वंस वाटरलू, टू मीट वंस वाटरलू, क्या होता है इसका मतलब? टू मीट वंस वाटरलू का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। टू मीट वंस वाटरलू, मीट वंस वाटरलू, इसका मतलब क्या होगा जल्दी से बताएंगे। टू मीट वंस वाटरलू, अच्छा वाटरलू के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? आइए थोड़ा सा वाटरलू के बारे में आप लोगों को बता दें हम। आप लोगों को तो यही पता होगा कि ये आदमी जो है तो अंग्रेजी का शिक्षक है। आइए थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है उसके बारे में आप लोगों को बताएं हम कि वाटरलू है क्या। वाटरलू के बारे में कहा जाता है कि बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था। क्या हुआ था? बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है? और ये बैटल ऑफ वाटरलू हुआ किसके बीच में था? नेपोलियन, नेपोलियन का युद्ध। नेपोलियन आपको पता है कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था, ठीक है? और इसका हुआ था युद्ध ल्यूक, ल्यूक के साथ हुआ था, फ्रेंच आर्मी का था ये नेपोलियन। और इसका हुआ था मार्वल ब्लूशर, मार्शल ब्लूशर के साथ, मार्शल एक आदमी था जिसका नाम था मार्शल ब्लूशर, ठीक है? मार्शल ब्लूशर के साथ इसका युद्ध हुआ था, ठीक है, वाटरलू में। क्यों हुआ था पता है? और ये वाटरलू है क्या भाई साहब? ये युद्ध हुआ था बेल्जियम, बेल्जियम जो एक वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज है, बेल्जियम में हुआ था, ठीक है, और फ्रांस को लेकर के हुआ था, ठीक है? और इस युद्ध में जो था नेपोलियन हारा गया, हार गया था फाइनल तौर पर। 28 वर्षों तक संघर्ष चला था इस चीज़ को लेकर के भाई साहब, यूरोप के ऊपर जो है तो अपना आधिपत्य जमाएंगे, ठीक है? 28 वर्ष, 28 ईयर्स तक जो है तो ये संघर्ष चला था, और लास्ट में जा करके वाटरलू में एक संघर्ष हुआ, एक लड़ाई हुई, बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट की जो फ्रेंच आर्मी थे उसने लास्ट में अपने क्या, फ्रेंच आर्मी जो थी नेपोलियन बोनापार्ट की, उसने लास्ट में अपने हथियार डाल दिए थे, ठीक है? नेपोलियन बोनापार्ट, हाँ जी रोहन भाई मेरे, तो फ्रेंच आर्मी, नेपोलियन बोनापार्ट की जो फ्रेंच आर्मी थी उसने अपने में अपना हथियार डाल दिया था, यूरोप को कैप्चर करने के लिए हुआ था ये, ठीक है? तो अंत में उसने अपना हथियार डाल दिया था, अंत में अपना हथियार डाल दिया था, यानी कि पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से हार मान लिया था। तो टू मीट वंस वाटरलू का मतलब क्या हो गया? टू मीट वंस फाइनल डिफीट, यानी कि पूरी तरीके से हार मान लेना, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बताएंगे अगले क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स क्या मतलब होगा इसका? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, डेड हॉर्स, डेड मतलब तो मृत, मतलब इनएक्टिव हम कह सकते हैं। डेड का मतलब क्या होता है? डेड का मतलब तो मृत होता है, और डेड का मतलब मृत, मृत का मतलब क्या है? इनएक्टिव, मतलब पूरी तरीके से क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया, ठीक है? तो डेड का मतलब क्या हो गया? मृत, मृत का मतलब इनएक्टिव। अब यहाँ पे कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? फ्लॉग का मतलब क्या होता है? फ्लॉग का मतलब, फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक से मारना। क्या मतलब होता है इसका? चाबुक से मारना, चाबुक से मारना, ठीक है? सर ये माइक वॉल्यूम इज वेरी लो, प्लीज फिक्स इट। माइक की वॉल्यूम बहुत कम है, तो फिक्स करने हैं कैसे फिक्स हो गया?
यार भाई यहाँ तो हमको 100% दिखा रहा है दोस्त, लगता है कुछ समस्या आ चुकी है। चलो करते हैं इसमें, ठीक है। चलिए तो थोड़ा अब एक बार बताइएगा। सही है अब भाई साहब, जल्दी से एक बार बताइए। अब वॉल्यूम सही जा रही है मेरे ख्याल से, जरूरत से ज़्यादा जा रही होगी। बताना भाई, अब सही जा रही है वॉल्यूम? आयुष गुलेरिया जी, चलो अब मेरे ख्याल से वॉल्यूम सही आ रही होगी। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद मेरे भाई लोग। आ जाओ यहाँ पे। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या हो गया? टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग का मतलब क्या होता है? फ्लॉग का मतलब क्या होता है? फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक से मारना, ठीक है। फ्लॉग का मतलब क्या होता है? चाबुक से मारना। अगर आप लोग शायद गाँव वगैरह में अगर कभी गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे गांव वगैरह अगर गया होंगे तो गांव में देखा होगा आप लोगों ने, बैलगाड़ी देखा होगा आपने या फिर घोड़ा गाड़ी देखा होगा आपने, जिसको टांगा कहते हैं। तो टांगा आप लोगों ने देखा होगा, अगर देखा होगा तो, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पर क्या चाहते तो चाबुक से मारता है ताकि वो और अपनी रफ्तार पकड़े, अपनी रफ्तार तेज करे, ठीक है। तो वो चाबुक से मारने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? हंटर से मारने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्लॉक करना, ठीक है। फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब एक मृत, एक मरा हुआ घोड़ा है उसको चाबुक से मार रहा है। तो मरे हुए घोड़े को चाहे जितनी मर्जी उतना चाबुक से हम मार लें तो क्या वो दौड़ दौड़ना शुरू कर देगा? जरा बताइए, क्या वो उठ करके चलना शुरू कर देगा? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू डू अ वेन थिंग, मतलब वेन का मतलब क्या होता है? वेन का मतलब, वेन का मतलब क्या होता है? बेकार। वेन का मतलब क्या होता है? बेकार, बेकार काम करना, फिजूल काम करना, व्यर्थ का काम करना। क्या मतलब हो जाएगा इसका? बेकार काम करना, फिजूल का काम करना, व्यर्थ का काम करना। नेक्स्ट, टू ट्राई टू टेक वर्क फ्रॉम अ वीक हॉर्स, मतलब एक कमजोर घोड़े से काम लेने की कोशिश करना। टू बीट ए हॉर्स दैट इज डेड, मरे हुए घोड़े को मारना। टू रिवाइव इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट विच इज आउट ऑफ डेट, मतलब कोई एक ऐसा मुद्दा जो आउट ऑफ डेट हो गया है, कोई एक ऐसा मुद्दा जो आउट ऑफ डेट हो गया है उसमें, आउट ऑफ डेट कहने का मतलब क्या है? नो लॉन्गर इन यूज हम जिसको कह सकते हैं, उसमें दोबारा से इंटरेस्ट पैदा करना, ठीक है। उसमें दोबारा से इंटरेस्ट पैदा करना, टू रिवाइव इंटरेस्ट मतलब क्या है? दोबारा से उसमें जान डालने की बात हो रही है। तो टू बीट अ हॉर्स दैट इज डेड, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या होगा इसका? मरे हुए घोड़े को कितना भी चाबुक से मार लो वो उठ करके चलने वाला नहीं है, दौड़ने वाला नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, मतलब बेकार का काम करना। आंसर क्या हो जाएगा? ए, बेकार का काम करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या हो गया?
अब सही है चीजें। चल मेरे ख्याल से अब सब कुछ सही चल रहा होगा। चलो यार, आज तक क्लास नहीं चल पाई, कुछ प्रॉब्लम आ गया है। यार स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। चलो ऐसा ही कर लेते हैं, बिना कुछ लिखे ही कर लेते हैं, ठीक है? पेन चल नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, आ जा। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड, बादलों में खोया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा सी। आओ करने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी तरीके से तो आंसर मार्क कर ही देंगे हम। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टू बी पर लेग, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ट्रबल्ड वाटर्स में फिश करना, तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स क्या हो जाएगा इसका मतलब? ट्रबल्ड वाटर्स में फिश करना, यार ट्रबल्ड हटाओ सबको, बताओ। ऐसे ही बना लेते हम लोग। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब क्या हो जाएगा? टू कैच फिश इन डिस्टर्ब्ड वाटर्स, टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ अ डिस्टर्बेंस। हाँ मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल करा था, है ना? इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ अ डिस्टर्बेंस, ये वाला हिस्सा हो जाएगा सही जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। टू टेक द विंड आउट ऑफ अनदर सेल, टू टेक द विंड आउट ऑफ अनदर सेल मतलब क्या होगा? सेल, टू टेक द विंड आउट ऑफ अनदर सेल इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिफीट द मोटिव ऑफ अनदर, दूसरे की मंशाओं को मोटिव, दूसरे की मंशाओं को हरा देना, यानी दूसरे की मंशा को नाकाम कर देना। टू कॉज हार्म टू अनदर, यानी कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना। टू एंटिसिपेट अनदर एंड टू गेन एडवांटेज ओवर हिम मतलब किसी दूसरे से कुछ फायदा लेने की कोशिश करना, ठीक है? या फिर टू मैनूवर टू मिसलीड अनदर टू द हाई सीज, यहाँ पे टू द हाई सीज होना चाहिए था, यहाँ पे टू द हाई सीज होना चाहिए था, जो कि ओ द हाई सीज हो गया, टू द हाई सीज होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टू एंटिसिपेट, इसका आंसर हो जाएगा टू एंटिसिपेट अनदर एंड टू गेन एडवांटेज ओवर हिम, इसका आंसर हो जाएगा टू एंटिसिपेट अनदर एंड टू गेन एडवांटेज ओवर हिम। चलिए नेक्स्ट आता है 26 का। यार वॉल्यूम फिर से लो हो गई,
यार आज तो यार पता नहीं क्या हो गया है, आज दिन ही सही नहीं चल रहा है। सुबह से कुछ बैठ नहीं किया रहा। बताओ यार भाई, अभी भी ऑडियो कमजोर ही है क्या? एक तो पेंटावैच काम करना बंद कर दिया, ऊपर से वॉल्यूम भी सही नहीं आ रही है यार। आर्यन भाई अभी भी वॉल्यूम नीचे आ रही है भाई मेरे। चलो आओ यार देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास? टू रैंगल ओवर एन एश शैडो। ये क्वेश्चन तो कल भी हम लोगों ने किया था। टू रैंगल एवल रैंगल रैंगल का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। रैंगल का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। तो टू रैंगल ओवर एन एश शैडो मतलब झगड़ा करना, फिजूल की चीजों पर झगड़ा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू क्वारल ओवर ट्रिपल्स। टू क्वारल ओवर ट्रिपल्स हम लोगों ने कल भी देखा था इस वाले एडियम को, ठीक है? तो टू क्वारल ओवर ट्रिपल्स हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। ऑफ द हैंडल से फ्लाई करना क्या हो जाएगा इसका बताइए? टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, हैंडल से ज्यादा, हैंडल से फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या होगा? देखो सबसे पहली बात, ओ डबल एफ ऑफ। ओ डबल एफ ऑफ का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन। ओ डबल एफ ऑफ का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। तो टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, तो फ्लाई मतलब तो उड़ना हो गया। ऑफ द हैंडल, हैंडल मतलब क्या? हैंडल मतलब एक ऐसी चीज जिससे आप किसी भी यूटेंसिल को क्या करते हो? कंट्रोल करते हो। या फिर हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक में क्या कहते हैं? हैंडल। हैंडल होता है बाइक में। बाइक में हैंडल, हैंडल मतलब क्या? एक ऐसा चीज जिससे हम क्या करते हैं? बाइक को हम कंट्रोल करते हैं, है ना? तो टू फ्लाई ऑफ द हैंडल यानी कि कोई एक ऐसी चीज जिसे सेपरेट होकर के फ्लाई करना। अगर हम लिटरल मीनिंग निकालना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसके सपोर्ट सिस्टम से, जिसके कंट्रोल से निकल करके, सेपरेट होकर के उड़ना, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है? अपना आपा खोना। टू लूज कंट्रोल ऑफ इमोशंस। फ्लाई ऑफ द हैंडल इसका मतलब, यू नो, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा टू लूज कंट्रोल ऑफ इमोशन वंस टेम्पर। वैसे इसका मतलब होता है टू लूज कंट्रोल, लूज LOOS नहीं, टू लूज कंट्रोल ऑफ इमोशन, ठीक है? टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या हो जाएगा? टू लूज कंट्रोल ऑफ इमोशन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 27 तो हो गया, 27 हो गया, 28 पे चलते हैं। टू ब्रिंग वंस एग्स टू बैड मार्केट, इसका आंसर देंगे। ट्रिफल्स, ट्रिफल्स का मतलब होता है व्यर्थ की चीजें। आरुष भाई ट्रिफल्स का मतलब होता है व्यर्थ की चीजें, ठीक है? बेकार की चीजें, फिजूल की चीजें, तुच्छी चीजें, छोटी चीजें, जिस इनवैल्यूएबल थिंग्स, इनवैल्यूएबल थिंग्स, इनवैल्यूएबल सब्सटेंसेस जिसकी वैल्यू कम है, ना के बराबर है, बेकार चीज, तुच्छ चीज, फालतू चीज, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन का बताओ। टू ब्रिंग वंस एग्स टू बैड मार्केट, बैड मार्केट में एग्स लाना। टू ब्रिंग वंस एग्स टू बैड मार्केट, बैड बैड मार्केट में एग्स लाना मतलब क्या हो गया? टू फेल इन वंस प्लान बिकॉज वन गोज टू द रॉन्ग पीपल टू फॉर हेल्प। टू ब्रिंग वंस कमोडिटीज टू अ मार्केट वेयर देयर इज नो डिमांड फॉर देम, मतलब अपने सामान को ऐसे मार्केट में लेकर के आना जहां पे डिमांड ही नहीं था। या फिर टू शो वंस टैलेंट बिफोर एन ऑडियंस विच इज इनकैपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग देम, यानी कि एक ऐसे ऑडियंस के सामने अपना टैलेंट दिखाना जो कि कैपेबल ही नहीं है उस टैलेंट को अप्रिशिएट करने के। टू फेस अ ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन फेस करना जो कि क्या है? शर्मसार कर देने वाला है, ह्यूमिलिएट कर देने वाला है। या फिर टू फेल इन वंस प्लान बिकॉज समवन गोज टू रॉन्ग पीपल फॉर हेल्प। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ये रहा आपके सामने, टू फेल इन वंस प्लान हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, टू फाइट टूथ एंड नेल, जल्दी टू फाइट टूथ एंड नेल क्या हो जाएगा? टू फाइट अ लूजिंग बैटल, टू फाइट ब्रेवली, मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन, या फिर टू फाइट कावर्डली, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन या फिर टू फाइट ब्रेवली, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? टू फाइट टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल, टूथ एंड टेल, नेल लर्ना,
मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी टू फाइट ब्रेवली, टू फाइट ब्रेवली हो जाएगा इसका, वीरता के साथ लड़ना, वीरता के साथ लड़ना हो जाएगा, नहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन, इसका मतलब हो जाएगा मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन, ठीक है याद रखिएगा, मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का बता, टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वन फीट, मतलब पैर के नीचे घास को पनपने देना, क्या मतलब हो जाएगा इसका, टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वन फीट क्या हो जाएगा इसका मतलब, जल्दी बताएंगे। वैसे यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है आपके सामने, इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है जल्दी से बताएंगे, इंडोलेंट का मतलब, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, क्या मतलब होता है इसका, मतलब क्या होता है, लेजी हो सकता है इसका मतलब, या हम चाहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं स्लाइस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा या फिर स्लाइस हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वन फीट, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वन फीट मतलब पैरों के नीचे क्या करना, घास पनपने देना, क्या हो जाएगा इसका, टू मिस द अपॉर्चुनिटी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू मिस द अपॉर्चुनिटी, सही जवाब हो जाएगा टू मिस द अपॉर्चुनिटी, ये वाला जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है आंसर इसका हो जाएगा टू मिस द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, 31 पे चलते हैं, मेल्टिंग पॉट, मेल्टिंग पॉट का मतलब क्या हो मेल्टिंग पॉट का मतलब क्या होता है, ये एक मेटाफर है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है बताने के लिए, मेल्टिंग पॉट बेसिकली हम लोग यूज करते हैं लिटरेचर में, जब हम बताते हैं मेल्टिंग पॉट सोसाइटी को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, एक समाज को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, जहां पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मेल्टिंग पॉट मतलब क्या, मेल्टिंग पॉट मतलब एक ऐसा पॉट जिसमें हम चीजों को क्या करते हैं, गलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है मेल्टिंग पॉट का, तो यहाँ पर जब हम आंसर के साथ जाएंगे तो हम कहेंगे कि भाई साहब मेल्टिंग पॉट जो है ना एक अर्दन वेसल है, ठीक है हम कह रहे हैं क्या है ये एक अर्दन वेसल है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है अर्दन वेसल, या फिर हम चाहें आयरन कॉलरॉन का मतलब क्या होता है, कॉलरॉन, कॉलरॉन का मतलब क्या होता है, कॉलरॉन का मतलब होता है एक बड़ा सा बर्तन लोहे का, जैसे आप लोगों ने शादियों में देखा होगा एक बड़े से लोहे का बर्तन, लोहे का तो नहीं कह सकते बस किसी भी मेटल का, तो ब्रॉन्ज का होता है मेरे ख्याल से, ब्रॉन्ज का वो होता है, ब्रॉन्ज नहीं कांसा का नहीं होता है, तांबा का होता है, ठीक है। तो उस बर्तन में क्या होता है, खाना पकाया जाता है, बड़े से बर्तन होता है पतीले जैसा बड़ा सा बर्तन जिसमें खाना बनाते हैं, तो उसको हम लोग कॉलरॉन कहते हैं, ठीक है कॉलरॉन कहा जाता है उसको। अ कुकिंग यूटेंसिल जिसमें खाना बनाया जाता है, मेल्टिंग पॉट, कुकिंग यूटेंसिल, अ विच इज ब्रीविंग पॉट, ब्रीविंग पॉट मतलब आप जानते हैं विच का ब्रीविंग पॉट जिसमें वो अपना सामान आइटम पकाती है, ठीक है। और अन अर्दन वेसल, तो मेल्टिंग पॉट के लिए आंसर आप यहाँ पर कर दीजिए अ कुकिंग यूटेंसिल, ब्रास, हाँ मेरे भाई थैंक यू मेरे भाई आयुष, बहुत थैंक यू मेरे भाई, ब्रास बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, ब्रास कहा, धन्यवाद, ब्रास वर्ड मेरे दिमाग से निकल रहा था। चलिए तो अ कुकिंग यूटेंसिल हम कह सकते हैं, ठीक। वैसे मेल्टिंग पॉट का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉट ये बेसिकली यूज टू डिनोट अ सोसाइटी, यूज टू डिनोट अ सोसाइटी वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट ग्रुप लिव टूगेदर, ठीक है ये याद रखिएगा, ये बेसिकली इस चीज को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, बट क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन चेक कर दिया जिसको कुकिंग यूटेंसिल को, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्चुअल मीनिंग जो यहाँ पर मैंने रेड में लिखा है टाइप करा है ये इसका एक्चुअल मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, सिटीजन ऑफ एन ऐसी चाना,
अफ्रीकाना चलिए, टू बी अ गुड समैरिटन। समैरिटन का मतलब क्या होता है? चैरिटेबल पर्सन। समैरिटन का सीधा सा मतलब क्या होता है? चैरिटेबल पर्सन। तो यहाँ पे टू बी अ गुड समैरिटन का मतलब क्या हो जाएगा? अ जेन्युइनली चैरिटेबल पर्सन। टू बी अ गुड समैरिटन का सीधा सा मतलब होता है जेन्युइनली चैरिटेबल पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, ये तो शायद अभी बनाया था हम लोगों ने, ठीक है, इसका मतलब आप सबको पहले से पता ही है। तो लूज वन टेम्पर हो जाएगा इसका मीनिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। द अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा का आंसर क्या हो जाएगा ये बताओ। अल्फा एंड ओमेगा ये तो बता सकते हो, शेक्सपियर का कोई प्ले है या फिर इसका मतलब कोई ग्रीक सॉन्ग है ये, या फिर कुछ स्विस स्विट्जरलैंड लोगों को कहते हैं हम लोग अल्फा एंड ओमेगा, या फिर इसका मतलब होता है बिगिनिंग एंड एंड। देखो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो ए सी और डी ये तीनों इररिलेवेंट चीजें लिखी हुई तुमको दिख रही है, ठीक है। तो अल्फा एंड ओमेगा का मतलब क्या हो जाएगा? बिगिनिंग एंड एंड। वैसे अल्फा बीटा गामा थीटा ये सब हम लोग करते हैं, तो अल्फा से ही शुरू करते हैं हम लोग चीज़ों को बोलना, है ना। तो अल्फा एंड ओमेगा का मतलब क्या हो जाएगा? बिगिनिंग एंड एंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू राइज लाइक अ फिनिक्स, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा? फिनिक्स की तरह उठना, टू राइज, उठना, टू राइज लाइक अ फिनिक्स क्या मतलब हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका मतलब? टू राइज लाइक अ फिनिक्स, जल्दी बताओ, आओ। टू राइज लाइक अ फिनिक्स का मतलब क्या होता है? टू राइज लाइक अ फिनिक्स का मतलब हम कह सकते हैं कि किसी प्रॉब्लम से, अगर हम चाहें तो सुनिए, तो किसी प्रॉब्लम से ज़्यादा मजबूती के साथ उभर करके सामने आना, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं किसी प्रॉब्लम को डील करना, या फिर किसी डेंजर से, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समस्या से इमर्ज करना, ठीक है। हम कह सकते हैं इसको क्या? टू इमर्ज फ्रॉम अ, टू इमर्ज फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन मोर स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्गर में सिचुएशन मोर स्ट्रॉन्गली देन बिफोर, मतलब पहले की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली बन करके किसी भी सिचुएशन से उभरना, ठीक है, किसी भी सिचुएशन से इमर्ज करना, उसको हम लोग कहते हैं कि टू राइज लाइक अ फिनिक्स। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? नया जीवन की शुरुआत करना, टू राइज विद अ न्यू लाइफ, इसका सही जवाब हो जाएगा। टू राइज विद एंगर नहीं कहेंगे इसका, ठीक है, टू राइज विद एंगर नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू राइज मतलब किसी भी डेंजर सिचुएशन से उभर करके बाहर आना, और पहले से ज़्यादा पावरफुल होकर के, पहले से ज़्यादा शक्तिशाली होकर के, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होकर के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ये तो हजार बार हो चुका है हम लोगों का मेरे ख्याल से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू टेक इंटरेस्ट इन एनी थिंग विच मे लीड टू डेंजर, हाँ आंसर क्या हो जाएगा? टू टेक इंटरेस्ट इन एनी थिंग विच मे लीड टू डेंजर, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे। रन द गॉन्टलेट, रन द गॉन्टलेट क्या मतलब होगा इसका? रन द गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है? टू बी सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म और अटैक, ठीक है। रन द गॉन्टलेट का मतलब क्या हो जाता है? टू बी सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म या अटैक, तो हम ये कह सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि टू गो थ्रू अ बैड, कह सकते हैं बैड एक्सपीरियंस, ठीक है। टू गो थ्रू अ बैड एक्सपीरियंस हम ये कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बैड एक्सपीरियंस हो, या फिर हाँ बैड एक्सपीरियंस हम कहेंगे, ठीक है। टू बी सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म और अटैक, या फिर टू गो थ्रू अ बैड एक्सपीरियंस, और बैड एक्सपीरियंस से गुजरना क्यों? इन ऑर्डर टू रीच योर गोल, इन ऑर्डर टू रीच योर गोल, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
भी सब्जेक्ट है, टू क्रिटिसिज्म और अटैक। क्रिटिसिज्म या अटैक, अच्छा अटैक का मतलब वो मारपीट वाला अटैक नहीं, शब्दों का जो प्रहार होता है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। उससे क्या होता है, गुजरना, ताकि आप आपका जो डिजायर्ड गोल है उस गोल को आप क्या कर सको, अचीव कर सको, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 38, टू मेक वन फ्लैश क्रीप। फ्लैश का मतलब क्या, चमड़ी हो गया, और किसी का चमड़ी अगर क्रीप कर रहा है टू मेक वन फ्लैश क्रीप, उसका मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। यहाँ पे एक फ्रेज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, टू जियर एट। जियर एट का मतलब क्या होता है, उपहास करना, उपहास करना। अब इसको हिंदी में कैसे लिखें, उपहास करना, उपहास करना, या फिर हम इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, टू मेक लाफ ऑफ, लाफ ऑफ नहीं, फन ऑफ, सॉरी, टू मेक फन ऑफ, फन ऑफ, ठीक है। या फिर हम क्या सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कह सकते हैं, क्रिटिसाइज ये भी हम कह सकते हैं, जियर एट का मतलब होता है, ठीक है। वैसे इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, अच्छी गॉन्ट्लेट का मतलब, अच्छा गॉन्ट्लेट का मतलब क्या, गॉन्ट्लेट के मतलब के बारे में जैसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे क्या बताएं तुमको, गॉन्ट्लेट का मतलब जैसे ग्लव्स होता है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि तुमने देखा होगा क्या बताएं आपको, जैसे प्रोटेक्टिव ग्लव्स जो होता है ना, उसके लिए हम लोग बेसिकली गॉन्ट्लेट का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और प्रोटेक्टिव ग्लव्स में जैसे जो लोग ब्लास्ट फर्नेस वगैरह में काम करते हैं या फिर ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पर काम करते हैं, तो वो लोग इंसुलेटिंग ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है, हीट से बचाने के लिए। तो गॉन्ट्लेट वर्ड का लिटरल मीनिंग वो होता है, ठीक है। चलो वैसे यहाँ पे टू मेक वन फ्लैश क्रीप, फ्लैश क्रीप को इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू बिहेव इन एन अनबिकमिंग मैनर, ठीक है। टू बिहेव इन एन अनबिकमिंग मैनर, इसका मतलब होता है, फ्लैश वन क्रीप का मतलब होता है कि टू बिहेव इन एन अनबिकमिंग मैनर। अब सवाल ये उठता है कि गुरु जी अनबिकमिंग मैनर का मतलब क्या होता है, अनबिकमिंग मैनर इसका मतलब क्या होता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लिख दें आप लोगों के लिए, अनबिकमिंग मैनर का मतलब क्या होता है, शॉकिंग तरीके से किसी के साथ पेश आना या अनसुटेबल तरीके से किसी के साथ पेश आना, ठीक है। यानी टू बिहेव विद समवन इन एन अनसुटेबल मैनर, ठीक है, अनसुटेबल मैनर में किसी के साथ पेश आना, या फिर हम कह सकते हैं टू मेक समवन फील डिसगस्टेड, ठीक है, किसी को बुरा फील कराना, डिसगस्टेड फील कराना, इसके लिए हम यूज कर देते हैं क्या, अनबिकमिंग मैनर। इस बात को याद रखिएगा, अनबिकमिंग मैनर का मीनिंग मैंने आपको बताया, ठीक है। बात बात इसका मतलब, मेक वन फ्लैश क्रीप का मतलब क्या हो गया, किसी को फ्लैश को क्रीप कराने का मतलब क्या हो गया, उसको डिसगस्टेड फील कराना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसको, ये हम व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख देते हैं, ठीक है, उसको डिसगस्टेड कराना, इसको मतलब क्या, किसी भी पर्सन को उसको डिस्गस्टेड फील कराना का मतलब हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यार आज पेन साथ नहीं दे रहा है इसलिए समस्या आ रही है हम लोगों के साथ। टू फेदर वंस नेस्ट, टू फेदर वंस नेस्ट मतलब अपने घोंसले को क्या करना, फेदर करना, मतलब अपने घोंसले को फेदर करना। तो भाई साहब अपने घोंसले को तो सब कुछ फेदर करता है, ठीक है, तो क्या मतलब हो जाएगा, टू बी इन हाई स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट्स में रहना, टू डिराइव पर्सनल बेनिफिट, क्या हो जाएगा, टू डिराइव पर्सनल बेनिफिट, टू कंप्लेन करना। तो अगर बात यहाँ पे हो रही है अपने घोंसले को फेदर करना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू डिराइव पर्सनल बेनिफिट, ठीक है, या फिर हम कहें कि सेल्फिश तरीके से काम करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेल्फिश तरीके से काम करना। आई बस समझ रहे, यहाँ पर हो जाएगा टू डिराइव पर्सनल बेनिफिट, मतलब सेल्फिश तरीके से काम करना।
चलते हैं हम लोग लास्ट पे, 39 हो गया, 40 पे चलते हैं। आज का लास्ट शायद 40 तक ही है। हाँ चलो 40 तक ही आज का लास्ट है। आज बहुत मुश्किल से इस सेशन को किया हम लोगों ने यार। कलम नहीं थी, चाहते तो आज की क्लास को बंद भी कर देते, लेकिन यार आप लोग बहुत उम्मीद के साथ जगे रहते हैं और कहते हैं, सोचते होंगे कि यार चलो मास्टर कुछ तो बता रहा है, कुछ तो सीख लेते हैं। ठीक है, कलम नहीं है, लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उंगलियाँ तो हैं, टाइप तो कर सकते हैं, चलो देख तो सकते हैं, ऑप्शंस दिख तो रहा है, जब मास्टर बोलेगा सुनाई तो देगा, है कि नहीं। लिख नहीं सकते हैं तो क्या हो गया, टाइप कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बताइए, ही ऑलवेज कट्स बोथ एंड्स, दोनों छोरों को काटता है, तो ही ऑलवेज कट्स बोथ एंड्स, क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, फिर हमेशा दोनों एंड्स को कट करता है, मतलब कि सपोर्ट में भी बात करता है और अगेंस्ट में भी बात, मतलब जो दो सिरे हैं किसी भी मुद्दे के, कोई कुछ भी मुद्दा क्या होता है, प्रॉस होता है और कॉन्स होता है, ठीक है, तो प्रॉस को भी सपोर्ट करेगा और कॉन्स को भी सपोर्ट करेगा। जैसे अगर इसके एक्सप्लेनेशन में अगर हम लोग समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि टू टॉक फेवर ऑफ बोथ क्रॉस एंड ऑफ, ठीक है यार, ये काम ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज के प्रॉस और कॉन्स दोनों के बारे में बात करना, मतलब दोनों के फेवर में बोलना, मतलब प्रॉस अगर हो रहा है तो कह रहा है कि हाँ हाँ ये बात सही है, कॉन्स अगर चल रहा है तो उसके बारे में भी सही कह रहा है, वर्क फॉर बोथ साइड। हाँ प्राची बेटा बिल्कुल सही है तुम्हारा जवाब, ठीक है, मतलब वो ऐसा इंसान जो दोनों साइड के लिए काम करता है, दोनों पक्षों के लिए जो काम करता है, दोनों पक्षों के लिए जो काम करता है उसको हम लोग क्या कह देंगे कि भाई ये इंसान जो है ये क्या कर रहा है, दोनों एंड्स को कट कर रहा है, ठीक है। चलो तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, हम लोग का दूसरा वाला सेशन आज इसको रोक देते हैं, ठीक है, थोड़ा आज हम देख लेते हैं, थोड़ा वॉल्यूम का इलाज कर लेते हैं, कलम में पता नहीं क्या खराबी आ रही है, जरा इसका भी इलाज कर लेते हैं, इन सारी चीज़ों का इलाज करने के बाद फिर हम लोग मिलेंगे कल, कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है। और हाँ एक बात और, अभी थोड़ा एक आर्टिकल है गांधी जी के ऊपर और एक एडिटोरियल है, एडिटोरियल का कुछ एक्सर्प्ट हमें हमारे पास है और गांधी जी के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल है जो कि द इंडियन एक्सप्रेस में आया था, तो इन दोनों का पीडीएफ, इन दोनों को पीडीएफ के फॉर्म में बना करके हम आप लोगों को टेलीग्राम वाले चैनल पे दे रहे हैं, ठीक है, तो टेलीग्राम वाले चैनल पे अभी आप लोगों को हम दे रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे ट्यून्ड रहिएगा, ठीक है। और बताइए आपको कि टेलीग्राम चैनल पे ट्यून रहना है भाई साहब, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है आप लोगों को बताइए, लूसेंट लर्नर्स के नाम से सर्च करेंगे और आप सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। अभी आपको हम एक पीडीएफ देंगे जो कि टेलीग्राम चैनल पे आप ढूंढ लेंगे, ठीक है। चलिए तो लूसेंट लर्नर्स टेलीग्राम पे मिलेंगे आप लोग, वहाँ पे आपको अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे में हमें टेलीग्राम चैनल पे आज का एडिटोरियल, कल का एडिटोरियल दिया था हमने, दो एडिटोरियल कंटेंट था वहाँ पे और आज एक एडिटोरियल और एक गांधी जी के ऊपर आया हुआ एक आर्टिकल, ये दो चीज़ें आप लोगों को देंगे, ठीक है, वहाँ से आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन, कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और तब तक के लिए हम सारी चीज़ों का इलाज कर ले थोड़ा, ठीक है, चलो थैंक यू।